हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th की रिजल्ट के बारे में। बिहार बोर्ड की 10th की रिजल्ट कब आ रही है, आज हम इसी वीडियो में पूरी कवर करेंगे कि बिहार बोर्ड की 10th की रिजल्ट एग्जैक्टली कब आने वाली है। उससे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर जो अनाउंसमेंट हुई है उसकी खबर पहले हम जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम जानेंगे हमारी न्यूज एजेंसियाँ जो अभी तक बिहार बोर्ड की 10th की रिजल्ट के अपडेट बारे में कल बोल रही थी, जो रिजल्ट जो है आज यानी कल के बारे में बोल रही थी कल दे देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए मैं बता दूं फिर से, आज न्यूज एजेंसियां क्या कर रही है उसके बारे में हम पहले कवर करेंगे स्टोरी, उसके बाद हम जानेंगे बिहार बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जो बिहार बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर क्या अपडेट अभी तक आई है बिहार बोर्ड 10th की रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, कल तक बिहार बोर्ड की 10th की रिजल्ट की जो अपडेट थी, बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया था, लेकिन आज जो है अनाउंसमेंट कर दिया है बिहार बोर्ड की 10th की रिजल्ट के बारे में बिहार बोर्ड ने, जो कब तक रिजल्ट आएगी। तो चलिए पहले देखते हैं बिहार बोर्ड की न्यूज एजेंसी हमारी जो है वो क्या अपडेट बताती है बिहार बोर्ड की 10th के रिजल्ट के बारे में। तो आपको बता दें बिहार बोर्ड की न्यूज एजेंसी 10th के रिजल्ट के बारे में न्यूज एजेंसियां में से कुछ न्यूज एजेंसियां हैं जो हमें बता रही है, जो आप अपने होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कीप योर एडमिट कार्ड हैंडी टू चेक द स्कोर इमीडिएटली एज सून एज इट इज रिलीज्ड। फैट ऑफ मोर देन 15 लैक्स क्लास स्टूडेंट 10th स्टूडेंट ऑफ टू बी डिक्लेयर सून। द रिजल्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर बिटवीन 12 to 1 PM अकॉर्डिंग टू द न्यूज 18। जी हाँ, न्यूज आप सही सुन रहे हैं, रिजल्ट जो है 12 से 1 बजे के बीच डिक्लेयर होने वाली है, ऐसा न्यूज 18 का रिपोर्ट आया है। इस फैक्ट न्यूज में कितनी सच्चाई है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब खुद ही समझ गए होंगे जो कल यही न्यूज 18 है जो कल बता रही थी कल रिजल्ट आने वाली है शाम में 5 से 6 के बीच। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो न्यू आपका जो रिजल्ट है 22 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो कल जो है सारी न्यूज एजेंसियां जो यही बोल रही थी जो रिजल्ट आज आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ जो रिजल्ट जो है अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अनुसार रिजल्ट इसी मंथ आने आएगी, लेकिन कब आएगी इसकी अभी तक डिक्लेरेंस बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हुई है कि नहीं हुई है, मैं आपके सामने जाके चेक करूंगा और आपको बताऊंगा जिन न्यूज एजेंसियां सच बोल रही हैं या फिर फेक, वो अपनी वेबसाइट को आगे बढ़ाने के लिए फेक बोल रही है। उसके बाद दूसरी न्यूज एजेंसी की बात करते हैं, वहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि 21 मई जो है एक्सपेक्टेड यहाँ भी किया गया। यही न्यूज एजेंसी साइट पर आप कल सर्च करते तो वहाँ पर 20 मई को एक्सपेक्टेड किया जा रहा था और आज 21 कर दिया गया है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट की ओर चलते हैं हम, यहाँ आप देख रहे होंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना विल बी अनाउंसिंग द मैट्रिक एग्जाम रिजल्ट बिफोर 20 मई 2020। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन विल बी रिलीज्ड ऑन 21 मई 2020 दोपहर बाद यानी 12 बजे के बाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है 21 मई को यानी आज दोपहर के बाद बिहार बोर्ड जो है 10th की रिजल्ट अपडेट कर सकती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम लास्ट में आपको बताएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है जो बिहार बोर्ड 10th की रिजल्ट आज दोपहर के बाद देने वाली है या नहीं देने वाली है। उसके बाद चलते हैं कुछ और न्यूज एजेंसी की तरफ, यहाँ पर ब्रीफ न्यूज करके एक न्यूज साइट है, यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट गुरुवार दोपहर के बाद जारी कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिजल्ट तैयार है, गुरुवार दोपहर के बाद से शुक्रवार तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि मैट्रिक रिजल्ट की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं इधर मैट्रिक रिजल्ट के डेट एवं टाइम्स को लेकर स्टूडेंट एवं पेरेंट में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो जैसा आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में तो हमें बताया जा रहा है कि दोपहर में हमारी जो है रिजल्ट आ जाएगी, लेकिन यहीं लास्ट में हमें बताया जा रहा है कि अभी तक टाइम और डेट की जो स्थिति है वो असमंजस है, यानी अभी तक फिक्स नहीं हुई किस टाइम में हमारा रिजल्ट आएगा। अब चलते हैं हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां हम पता करेंगे जो सच में जो रिजल्ट है आज आएगी या नहीं। मेरी माने मैं अपनी मानता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार रिजल्ट आज भी नहीं आएगी। हमारे कॉन्टैक्ट में जितने भी स्टूडेंट थे
जितने भी स्टूडेंट हमसे पूछा मैंने जो रिजल्ट सर कब आएगी, हमने सारे को यही सिर्फ जवाब दिया जो 22 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगी। ऐसा लगभग सही भी हो रहा है और आज देखते हैं आज रिजल्ट आती है या नहीं आती है। उसके बाद चलते हैं हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। जैसा कि आपको पता ही ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रहा है बिहार बोर्ड की, इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर काम चल रहा है, बिहार बोर्ड की 10th की जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दी जा रही है, अपलोड की जा रही है, उस पर काम चल रहा है, जिस कारण से ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट काम करता है कि नहीं। आप अपने क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद BSEB करके टाइप कीजिए, वहाँ पर आप सर्च के बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से अगर आपका बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट अगर ओपन हो जाती है तो आप समझ जाइए कि बिहार बोर्ड की 10th की रिजल्ट जो है अभी नहीं आने वाली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिहार बोर्ड की 10th की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बोर्ड की वो काम नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि आपकी रिजल्ट की तैयारी चल रही है। कल तक शिक्षा मंत्री कृष्णेंद्र प्रसाद वर्मा ने 19 तारीख को अपने न्यूज कवरेज में बताया था जो आपकी जो रिजल्ट है वो अंदर अवे है, कुछ सारी प्रॉब्लम कुछ तरह की प्रॉब्लम आई है जिसके कारण से बिहार बोर्ड जो है उसके सतर्क रहना चाहती है, क्योंकि बिहार बोर्ड पहले से ही बहुत बदनामी झेल चुकी है, वो अब अपनी बदनामी नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी सारी रिजल्ट की जितने भी तैयारी है वो फुल्ली 100% सही करना चाहती है, इसीलिए आपके रिजल्ट में कुछ देरी आ रही है। और चलते हैं अब ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी की तरफ। हाँ जी हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी में ये बताया गया है कि अभी तक रिजल्ट जो है उसकी टाइम एंड डेट फिक्स नहीं की गई है। जी आप सच सुन रहे हैं, टाइम एवं डेट फिक्स नहीं की गई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी है।